के नीचे से पैकिंग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैंने दो दिन पहले एक अपना ऑर्डर बुक करा था जो कि हमारे पास आया है आज 28 जून को आया है। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या ऑर्डर करा था। ये भाई अपना बिल है जो कि इसका प्राइस तो हम बाद में बताएंगे। मेन चीज है ये वाली, ये चेक करो। पैकेजिंग ठीक है, बढ़िया है पैकेजिंग। और ये है, आपको इसका नाम बता दूं मैं, चेस्ट माउंट। अगर आप अमेजोन पे सर्च करोगे तो बहुत सारी इमेज आ जाएगी, तो आप समझ जाओगे किस लिए है। ये है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। अभी आपको बढ़िया बढ़िया रील्स दिखने वाली है इंस्टाग्राम पे। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, उस पर टैप करो और मुझे फॉलो करो, क्योंकि ज़्यादातर रील इंस्टाग्राम पर ही आएंगी अब, और कुछ हद तक यूट्यूब पे भी आएंगी। वैसे तो ये इसके भाई मेरे को भी देखना पड़ेगा कैसे कैसे जुड़ेगी, बट ईजी है जोड़ना इसको। ये इसकी स्ट्रैप है यहाँ पे डालने वाली, ये वाली, और फिर यहाँ पे लगता है। पैकेजिंग तो बढ़िया रखती है। ये है मेन चीज, ये मेरे पास हेलमेट पे था तो, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, रोटेट वाला था। अब अगर शॉट बनाने हैं आपको तो आपको फोन खड़ा करना पड़ेगा ऐसे, लेकिन जो मेरे पास है उसमें खड़ा नहीं होता, उसमें ऐसे वर्टिकल होता है। अभी टाइट वाला सिस्टम भी है क्या? ओहो सही है, ये देखो ऐसे वाला। ये दोनों तरफ हो जाता है, इसको अगर हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और अगर वर्टिकल करना चाहते हो तो वर्टिकल भी इजी हो जाएगा। ये अपना दो काम करेगा, अगर हमको शॉर्ट बनानी है शॉर्ट भी इससे बना लेंगे, अगर ब्लॉग भी बनाना है तो ब्लॉग भी इससे इजी बन जाएगा। ये अच्छा, इस बार स्क्रू वाला है, जो मेरे पास वो था ना हेलमेट पे उसमें वो खींचता था ऐसे, बट इसमें स्क्रू है भाई, स्क्रू से ढीला होगा और स्क्रू से ही टाइट होगा। चलो बढ़िया है, इसको भी ट्राई करेंगे। कि यह मेन चीज है ये वाली, ये चेक करो आप, सबसे ज्यादा मेन चीज है ये। इसमें कुछ इस प्रकार का चटक भी बोलते हैं इसको, और लगेगी कैसे ही है ये, आई थिंक कैसे लगेगी। अच्छा ये रबड़ वाली है, सही है भाई, ये खिंचती भी है। मुझे लगा वैसी वाली आती है ये जो नॉर्मल पिट्ठू बैग वगैरह में लगती है, लेकिन नहीं भाई ये स्ट्रेचेबल है। अगर आप मोटे आदमी हो तो एकदम फिट आएगी आपको, खुद ही सेट करना पड़ेगा इसका हिसाब। ये लो वाइस ऐसे लगेगी, अगर मैंने कुछ गलत लगाई हो तो, वैसे तो मुझे लगता है मैंने ठीक लगाई है, लेकिन अगर गलत भी लगाई है तो एक बार मैं इस ये सब दिखाने के बाद चेक करूंगा कि कैसे लगाई जाती है, इसका सही तरीका क्या है। अगर आपको पीछे से दिखाऊं तो पीछे से कुछ इस प्रकार लगी है, लेकिन अगर फिटिंग की बात करें तो फिटिंग भाई बिल्कुल ओके है इसकी, मेरे को इसमें कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी है, जैसी आई है वैसी मेरे को फिट हो चुकी है। बात करते हैं इसकी माउंट की, मुझे लगता है ये वाला माउंट जो लगेगा ये लगेगा ऐसे, पहला
पहले उल्टा लगा रहा था लेकिन अब सही है। ये कैसे बनेगा भाई? अच्छा अभी तक मैंने देखा नहीं है इसको कैसे लगाना है, अंदाजे से ही लगा रहा हूँ। अगर सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको आगे आगे अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलते रहेंगे, और अब तो शॉर्ट भी आने वाले हैं चैनल पे, क्योंकि अपना शॉर्ट का जुगाड़ आ चुका है। ये वाला छोटे वाला अमाउंट लगेगा इसमें। अगर प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करें तो भाई क्वालिटी एक नंबर है, काफ़ी मजबूत क्वालिटी की प्लास्टिक यूज़ कर रखी है। पकड़ने में ऐसा फील हो रहा है कि हाँ कुछ थोड़ा प्रीमियम सा पकड़ रखा है। ये हो गया सेट। अभी बारी है इसकी, अच्छा ऐसे लगेगा। सही है सही है। अगर आप राइट हैंडेड हो तो जो ये वाला स्क्रू है ना, ये आप इधर भी लगा सकते हो, पर इसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये जो चटकनी है ना, इसको इस साइड लानी पड़ेगी अपने को। तो सिंपल है, इसको उतारा, ऐसे करा, ये देखो हमने ऐसे लगाई, ठीक है। अब हम इसको इधर लगाएंगे, यहाँ पे इसको लगा दिया। अगर अपने को ये वाला इधर चाहिए तो इसको ये तो ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको हम ऐसा करेंगे तो ये नीचे चली जाएगी भाई। ओहो, क्या नीचे से नहीं भाई, मुझे लगता है ये फिक्स है, इधर ही इसको इधर ही सेट करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, और ऊपर हो, लेकिन ये ऊपर ही नहीं हो रहा, मैंने कुछ गलत तो कर दिया। अच्छा मैं इसको ही उल्टा लगा रहा था। ठीक 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 अभी सही लगेगा ये देखो। वाह भाई अभी सही लगा है। इसको आप ध्यान से लगाना, क्योंकि ये जो इसकी कैप है ना, ये लेफ्ट साइड आएगी तब जाके स्क्रू राइट साइड में आएगा। अभी मैं आपको इसमें पहले तो ये सेटअप देख लो, ऐसा सेटअप है ये। अगर आप इसको लूज करोगे, ये यहाँ पे बोल्ट वाला सिस्टम है, ये चेक करो। ये तो हो जाएगा व्लॉगिंग के लिए। एक बार आपको मैं कैमरा भी लगा के दिखा दूँ, कैमरा कह लो या फिर मेरा मोबाइल कह लो। और मुझे ये स्क्रू वाला सिस्टम बहुत सही लगा है उसके मुकाबले, क्योंकि इसमें अच्छा खासा टाइट हो जाता है फोन। लेकिन यार हिल रहा है, इसको और टाइट करना पड़ेगा मेरे को ताकि ये हिले ना। तो ये मूव कर रहा है, ये बंद हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया ब्लॉगिंग का। अभी अगर अपने को शॉर्ट का बनाना है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल करना है, तो इसको लूज करना पड़ेगा पीछे वाले बटन को। तो ये बोल, इसको आप ध्यान से लूज करना भाई, तो ये तो डेंजर है। अगर इसका थोड़ा ये स्क्रू, ये वाला जो स्क्रू है ना, अगर थोड़ा बड़ा दे देते तो मोबाइल गिरने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, अगर छोटा दिया है तो टाइट भी अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो अपन इसको करते हैं अभी हॉरिजॉन्टल। अगर आपको ऊपर करना है तो ऊपर तो फोन ही हो सकता है, इसको ढीला करना पड़ेगा। मेरे को वो वाली आदत पड़ रही है ना, ये लो भाई। अगर ग्रिप की बात करें तो ग्रिप तो उसमें अच्छी खासी दे रखी है, लेकिन ये हिल रहा है, इसका भी
देखते हैं इसको टाइट हो सकती है कि, तो ये बन गया भाई अपना शॉर्ट का जुगाड़। ये आप पीछे से चेक कर सकते हो, मैं इसको अभी यहाँ से ट्राई कर दीजिए। होगी होगी, और टाइट होगी, ठीक सही है सही है। अभी थोड़ा कम हुआ है हिलना, और टाइट करते हैं क्योंकि आप रिप हो। तो टाइट तो ये अच्छा खासा हो जाएगा, जहाँ तक ये देख रहे ना ये वाला, ये यहाँ तक पूरा टाइट हो जाएगा, और ये जो पीछे वाली पट्टी है ना ये भी पूरी टाइट हो जाएगी। तो टाइट तो अच्छा खासा हो जाएगा ये, और जो इसकी हिलने वाली प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी आराम से। अभी मैं इसको सब कुछ सेट कर लूँ। ये लो जी, एकदम ऑल सेट हो चुका हूँ मैं। और अगर आप ये देखें तो ये मैं आपको बता दूँ, 120 डिग्री यानी कि 120 डिग्री नीचे और ऊपर, ये इसका एक बढ़िया फीचर है। और इसमें मैं आपको बता दूँ, ये फ़ोन होल्डर के लिए भी है, और थोड़ा ऊपर कर दूँ एक सेकंड, इसमें गोप्रो भी लग सकता है, फ़ोन भी लग सकता है, मतलब सब कुछ लग सकता है इसमें, ठीक है, सिर्फ बड़े कैमरे को छोड़ के वो तो इसमें कहाँ ही लगेंगे। ये गोप्रो के लिए बेस्ट है, और जो मोटो व्लॉग करते हैं उनके लिए बेस्ट है भाई ये। और टाइट भी एकदम अच्छा कर दिया है मैंने, सारा टाइट कर दिया जितना टाइट हो सकता था, अभी स्टेबल है। चलो अब चलते हैं सीधा मोटो व्लॉग। लो जी गाइस, अभी मैंने पूरा ऊपर कर दिया है, पूरा तो नहीं करा है, मतलब थोड़ा ही करा है। मेरे को कहीं पे रुक के थोड़ा चेक करना पड़ेगा वीडियो कैसी आई है, क्योंकि अगर कंटिन्यू चलेंगे तो फिर वही है, एक ही एंगल रहेगा, अपने को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे सेट करना है। तो कहीं पे पेड़ के नीचे छाएँ आएगी, वहाँ पे रुक के चेक करेंगे कि कैसा एंगल आ रहा है। आई होप की आवाज़ सही आ रही होगी। चेक हमने इसको कर लिया है, और जो परफॉर्मेंस दिया है ना भाई, बढ़िया, मतलब रिजल्ट वीडियो देख के मज़ा आ गया, शॉर्ट में भी और वर्टिकल में भी बहुत बढ़िया वीडियो बनी है। अगर आपको ये बाय करना है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन पे जाओ बाय कर लो। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। देखो मेरे को जो एग्जैक्ट पड़ा है ये 399 रुपये का पड़ा है, तो आप लोग अगर बजट में आता है तो इसको बाय कर सकते हैं, बढ़िया प्रोडक्ट है। आज का व्लॉग अनबॉक्सिंग के ऊपर ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।